नेक्स्ट टॉपिक ना चैप्टर 3, दो चैप्टर हो चुके हैं, थर्ड है अपना, यूनिट 1 के ही पार्ट है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके पहले हमने किसका किया था, प्रेफरेंस शेयर का, ये किसका है, डिबेंचर्स का। सेम वैसे ही होता है, कुछ चेंजेस नहीं है, पर एग्जाम में मोस्टली ना इससे आप लोगों से थ्योरी पूछेगा, तो पहले आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, ऋण पत्र। देखो जब कंपनी की शेयर कैपिटल बनती है, पूंजी, तो क्या ऋण पत्र उसका पार्ट होता है? नहीं, शेयर कैपिटल या तो इक्विटी शेयर से बनती है कंपनी की, या तो प्रेफरेंस शेयर से। डिबेंचर्स एक तरीके से कंपनी का क्या रहता है, उधार रहता है, क्रेडिटर्स में आता है। इतना पता है सबको, जब कंपनी को अपना फाइनेंस या पैसा चाहिए रहता है, मनी, सोर्स ऑफ फंड, किसके थ्रू पैसे आने चाहिए कंपनी में, तो कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक तो शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, और एक डिबेंचर्स होता है। तो यानी डिबेंचर्स को ना डेब्ट बोलते हैं, उधार। ये शेयर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको हम कब देते हैं, प्रॉफिट में से देते हैं, और इनको हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, यानी लाभांश। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं, हम इनको प्रॉफिट पे करते हैं क्या? नहीं, हम इनको क्या पे करते हैं, ऋण पत्रों को इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या पे करते हैं हम इनको? ब्याज देते हैं। हमेशा जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसमें से सबसे पहले हम ब्याज पे करते हैं, इंटरेस्ट, और जो बचा रहता है उससे हम लाभांश देते हैं, और फिर पूंजी वापस करते हैं, किनकी, प्रेफरेंस की और इक्विटी की। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है? बताओ, किसी को डाउट है कॉन्सेप्ट में तो पहले पूछो, तभी आगे बढ़ूंगी ना मैं। मैम एक बार और बताइए, कहाँ पे अटकी तुम, बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया, ये बताओ मेरे को। प्रेफरेंस शेयर को पैसे वापस करते हैं वहां पे। अच्छा, देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं या फिर जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये क्या होते हैं, कंपनी के अंशधारी होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर हैं ये, तो ये कंपनी के ओनर है ना, मालिक कहलाते हैं ये कंपनी के। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं, ये एक तरीके, इनको क्या बोलते हैं हम, ऋण पत्र। डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, ऋण पत्र, यानी देखो ये क्या है, एक तरीके का ऋण लिया हुआ है, मतलब डेब्ट लिया हुआ है। तो डिफरेंस ये होता है कि ये कंपनी के ओनर माने जाते हैं और ये कंपनी के क्रेडिटर माने जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज, जब कंपनी अपना पैसा, जो प्रॉफिट मिलता है उसको, उसमें से वो डिविडेंड पे करती है, किसको, इनको, इनको जो वो 6% या 7% पे करती है, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड, लाभांश, लाभ में से। और इनको जो पेमेंट करती है कंपनी डिबेंचर्स को, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। ये डिफरेंस है इसका। दूसरी चीज, पहले पैसे इनको दिए जाते हैं, सबसे पहले पैसे डिबेंचर्स को दिए जाते हैं, और जो बचा रहता है पूरा का पूरा प्रॉफिट, वो किनको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। अगर उनके लिए कम पैसा बच रहा है तो इनका लॉस है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा बच रहा है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसके पास जाता है, शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आया समझ में? यस मैम। किसी को और, किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। ये ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन उसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ना, तुम लोग रिविजन नहीं करते हो इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, अब हमको है इशू भी करेंगे
और रिडम्पशन भी। तो देखो जो इश्यू है वो सेम जो हमने शेयर कैपिटल की थी स्टार्टिंग में किसके थ्रू की थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, सेम वही एंट्री होगी। बस जहां जहां पे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर लिखते थे वहां पे अब क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स। एंट्री बिल्कुल सेम है, पार मतलब सममूल्य पर, प्रीमियम तो प्रीमियम ही है, और डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट लिखो या बट्टा लिखो आप लोग के ऊपर है, आप लोग जो भी उसको लिखते हैं। एंट्री सेम वही होती है जो शेयर कैपिटल के टाइम पे होती है। नेक्स्ट अब अपने काम का यहाँ पे रिडम्पशन। अब रिडम्पशन में मेथड्स लिखो, रिडम्पशन मतलब शोधन ना, ऋण पत्रों का शोधन। तो जब डिबेंचर होल्डर्स होते हैं यानी कि जो ऋण पत्र धारी होते हैं तो जब उनको पैसे वापस मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के लिए ऋण पत्र के खातों पर देनदारियों से मुक्ति पाना। एकदम टिपिकल लैंग्वेज दिया हुआ है। रिडेम्पशन का मतलब है कंपनी का पैसे वापस करना जो हमने उनसे लिया था कंपनी ने। अब देखो तो कंपनी जब डिबेंचर्स को पैसे वापस करती है, रिडेम्पशन करती है डिबेंचर्स का, तो उसके सोर्स क्या है, मतलब कौन से पैसे देती है, सोर्स ऑफ फंड, कौन कौन से फंड के पैसे यूज करेगी। सबसे पहले नोट करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेश इशू करेगी शेयर का ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये मेथड नहीं है, ये सोर्सेज है, मतलब ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत, कहां से पैसे आएंगे इनको देने के, वो बात कर रही है। देखो लिखा है मैंने वित्त के स्रोत। नेक्स्ट देखो, पहला फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन, अंश पूंजी तथा नवीन ऋण पत्रों का सेकेंड, संचित लाभों तथा शोधन कोष से शोधन। नेक्स्ट देखो, रिडेम्पशन किसमें से करेगा, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। संचित लाभों तथा शोधन कोष से शोधन। तो ये शोधन कोष क्या है, सिंकिंग फंड, याद रखना। तीसरा, आधिक्य निधि से शोधन, रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस फंड्स। फोर्थ, रिडेम्पशन फ्रॉम रियलाइजिंग द एसेट्स, परिसंपत्तियों की बिक्री से शोधन। तो ये चार तरीके हैं जिससे पैसे आएंगे। देखो, एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो संचित लाभ होंगे, तथा शोधन कोष मतलब सिंकिंग फंड। इसमें एक अमाउंट क्या करती है कंपनी, हर साल डालते जाती है किसमें, सिंकिंग फंड में, कि डिबेंचर्स को पैसे पे करेगी कंपनी यहीं से।
फिर सरप्लस फंड में से आधे की निधि, वही जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्या था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेम वैसे ही, या फिर कुछ एसेट्स को बेचेगी, रिडेम्पशन फ्रॉम रियलाइजिंग द एसेट्स, परिसंपत्तियों की बिक्री से शोधन। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब यहां से ना मनी आएगा किसको पे करने के लिए, किसको पे करने के लिए, डिबेंचर होल्डर्स को। ये सब लिखा आप लोगों ने? यस मैम। देखो स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, बट एक टाइम पे ना आप लोग भूल जाएंगे, तो आप लोग को जो मैं जो भी क्लास में करवाती हूँ वो चैप्टर वाइज नोट करते चले। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? परिसंपत्ति मीन्स एसेट्स, है ना, एसेट्स को बेचना। कंपनी में एसेट्स होती है ना, फिर लायबिलिटीज, तो कुछ एसेट्स होती हैं जिनको बेच के ही पैसे आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्लियर करूं कि किसको नोट करना है? नोट कर लिए मैम। क्लियर करूं? आदित्य, अच्छा आदित्य नहीं, उषा, कृष्णा, आपकी क्लास के क्या बोलते हैं, ऋण पत्रों इस साल का निकला था मैम। किसका? आरबीआई और सेबी दोनों का निकला था। यस yes, मैम निकला था, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, अब आएंगे ना फिर से नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट अभी बहुत आएंगे अभी अपॉर्चुनिटीज, और अभी तो रिजल्ट आ चुका है वो अप्लाई कर। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो फॉर्म आएंगे वो फिल करना आप लोग। नेक्स्ट देखो, ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। अब देखो मेथड्स कंपेयर करवा रही हूं, जब अपन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ रहे थे, उसके मेथड करवाई थी मैं। कौन कौन से मेथड थे चलो बताते जाओ जल्दी जल्दी। एक तो फ्रेश इश्यू से करते थे, फिर लाभ में से करते थे, और किस में से करते थे, आधा किस में से, लाभ में से और आधा फ्रेश इश्यू से, और एक और तरीका था ना चौथा वाला मेथड कन्वर्जन से, कि मतलब उनको प्रेफरेंस शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी शेयर्स में। याद आ रहा है मेथड्स? बताओ। यस मैम। सेम अब इसी में ही, इसके क्या मेथड्स होंगे? इसके पहले मैंने क्या बताया कि हम कौन कौन से फंड यूज कर सकते हैं, मैंने सेम वैसी लिस्ट एक लिखवाई थी प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे भी, कि कौन सा फंड यूज करना है और कौन सा नहीं, याद रखना ये सारी लिस्ट वगैरह। चलो नेक्स्ट देखो, ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। तो पहला है एकमुश्त भुगतान विधि, मतलब लमसम में करेंगे जब अपन, एकमुश्त भुगतान विधि। नेक्स्ट इसमें एक मेथड होगा वार्षिक, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। नेक्स्ट देखो इसमें परचेज इन द ओपन मार्केट मेथड। खुले बाजार में क्रय विधि। नेक्स्ट देखो कन्वर्शन मेथड। परिवर्तन विधि।
फिफ्थ है पेमेंट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड. सिंकिंग फंड मेथड. इसमें एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान. शोधन कोष विधि. तो ये हैं अपने पांच मेथड. जो सबसे फर्स्ट है देखो कौन सा वाला, लमसम. तो जब अपन लमसम में करते हैं तो हम उसको किस में से करेंगे, पूंजी में से करेंगे या फिर डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करेंगे. याद रखना या तो पूंजी में से या फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट करेंगे या फिर आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्रों की दशा में. सॉरी, जैसे अपन उसमें शोधन संचय खाता ओपन करते थे वैसे ही इसमें करेंगे, ऋण पत्र शोधन संचय परिवर्तन खाता ओपन करेंगे, मतलब उसको करेंगे. तो ये तीन तरीके से होगा लमसम में भी. तो लिखो जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ नोट करते जाओ. तो लमसम मेथड के अंदर तीन तरीके से होगा. ये फर्स्ट लिखो, इसमें सबसे फर्स्ट लिखेंगे अपन पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन फर्स्ट. या तो इसमें कैसे रिडेम्पशन करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन. तो इसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, दूसरे जो ऋण पत्र होते हैं उनको इशू करेंगे या पूंजी में से करेंगे, कुछ भी अमाउंट हम यूज करेंगे वो क्वेश्चन में दिया रहेगा. सेकंड क्या रहेगा इसमें, रिडेम्पशन करेंगे किसमें से, आउट ऑफ प्रॉफिट में से. क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करेंगे. इसमें याद रखना ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण. और थर्ड थर्ड वाला किसके लिए, जो लिखते जाओ है ना. आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र की दशा में जो पार्टली कन्वर्टेबल शेयर है डिबेंचर्स,
फॉर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इसमें क्या होता है, तीसरे मेथड में क्या होता है, कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो पूरे कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब परिवर्तनीय जो बोलते हो तुम लोग, तो कुछ पोर्शन सपोज 60% क्या होता है कन्वर्टेबल है और 40% है नॉन कन्वर्टेबल। मतलब हम इन डिबेंचर्स का 60% शेयर में दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर बना दिया या इक्विटी शेयर, और बाकी 40% को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे जो नॉन कन्वर्टेबल होगा, मतलब जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसका किससे भुगतान करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से, ऋण पत्र संचय, मतलब ऋण पत्र शोधन संचय, जो ये वाला लिखा था, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। समझ में आया थर्ड पॉइंट, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण। फिर से रिपीट कर रही हूं, जो थर्ड वाला है वो क्या होगा, जो फॉर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्रों की दिशा में। तो जिसका सपोज एक 60% है, एक 40% हो रहा है, तो जो कन्वर्ट है तो उसको कन्वर्ट ही कर देंगे, और जो नॉन कन्वर्ट है, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका कैसे करेंगे, जो इसमें सेकंड मेथड बताई हूं उससे, ये ऋण पत्र शोधन संचय खाते का निर्माण करने से। ये तो जो थर्ड का, ये जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है वो सेकेंड मैथड से होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, थोड़ा सा लेंदी है ना ये वाला टॉपिक एंट्रीज के मामले में। कहीं पर डाउट है तो पहले पूछो, फिर मैं जनरल एंट्रीज बता रही हूं लमसम की। देखो अभी अपन लमसम मेथड कर रहे हैं, याद रखना, फिर ये चारों मेथड्स बचे हैं और इन चारों के से अलग अलग आएंगे एंट्रीज वगैरह। आ रहा है समझ में कैसे चल रहा है सिचुएशन? यस मैम। अब देखो इसकी एंट्री देखते हैं ना, फर्स्ट वाले की, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, ये वाला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखो सिंपल एंट्री, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स में देंगे पहले, फिर नेक्स्ट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, सिंपल सी एंट्री है। देखो पूंजी में से कर रहा है तो डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर्स में डालेंगे और डिबेंचर होल्डर्स से बैंक में, सम मूल्य पे है तो यही रहेगा। सपोज मान लो प्रीमियम पे कर रहा है ना, तो प्रीमियम की एंट्री कहाँ कर देंगे, इसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे, अगर प्रीमियम आ गया तो। आ रहे समझ में? और मान लो देखो ये प्रीमियम पे है तो ये प्रीमियम पे हो गया, या फिर सपोज डिस्काउंट पे करता है तो कंपनी को फायदा होगा ना, डिस्काउंट पे करेगी तो यहाँ पे टू गेन कर लेना, या फिर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं क्या कर रही हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो ये किस्त पे हो सकता है, पार, मतलब पार मतलब एक सेकेंड ना, तो ये देखो
पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे। एंट्री एक ही बनेगी बस, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। सम मूल्य पे हो सकता है या फिर प्रीमियम पे। या फिर छूट पर। शोधन देखो, दिखने में मेथड्स थोड़े से लेंदी कर दिया है बट एंट्रीज बहुत सिंपल बनेंगी, एंट्रीज में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब जैसे कि ये सेकेंड वाला हो गया, जैसे ये क्या ओपन करेगी, ये रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण, है ना। तो जब अगर इसमें करेंगे ऋण पत्र शोधन संचय का अगर निर्माण करेगी कंपनी तो कैसे करेगी बताओ। बताओ, एक एंट्री करवाती थी मैं हर बार, कैसे करते थे अपन शोधन संचय में डालते थे तो। एक एंट्री करते थे ना अपन, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू, क्या करते थे अपन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में लिखते थे ना पूंजी शोधन संचय। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आया समझ में? यस मैम। सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। अब बस यहाँ पे डिबेंचर्स आ जाएगा। और देखो उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस से लेते थे, इसमें भी किसमें, ये वाले कंडीशन में, है कि नहीं। फिर प्रीमियम पे होता था तो क्या करते थे अपन, प्रीमियम फिर उसको डिबेंचर होल्डर्स में डालते थे, फिर डिबेंचर होल्डर से बैंक में। आ रहा है समझ में? तो इसकी एंट्रीज मैं कल करवाऊंगी स्टार्टिंग से, अभी टाइम लेफ्ट होने वाला है। अभी आपका काम है सिर्फ यहाँ तक पढ़ना, ये वाला पूंजी में से, तो ये मेथड है, इतना याद रखो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपके काम का इतना ही है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो।